दोस्तों, अगर आप एक इंस्टाग्राम यूजर हैं और आप इंस्टाग्राम पर किसी को फॉलो करते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसा एरर आ जाता है, योर रिक्वेस्ट इज पेंडिंग यहां पर आपको देखने को मिल जाता है लिखा हुआ। और यहां पर नीचे आप रीड करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा यहां पे लिखा हुआ मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा कि आपके इंस्टाग्राम अकाउंट में योर रिक्वेस्ट इज पेंडिंग का प्रॉब्लम क्यों आता है और आता भी है तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है आज की इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा। तो वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को लास्ट तक देखना और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना। चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपके सामने जब भी यहाँ पे आप किसी को फॉलो करते हैं तो आपके सामने इस तरह का एरर आ जाता है, इस तरह का प्रॉब्लम आपके सामने आ जाता है, योर रिक्वेस्ट इज पेंडिंग। तो आपको क्या करना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है। जैसे कि गाइस, जहाँ पर जब आप इंस्टाग्राम पर किसी को फॉलो करते हो तो आपको वही ऑप्शन आ जाता है, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पर आप रीड भी कर सकते हो जाकर के गूगल पर, यहाँ पे लिखा हुआ मिलता है कुछ अकाउंट सार्वजनिक होने पर भी फॉलोअर्स की मेलवी समीक्षा करना पसंद करते हैं। अगर आपको लगता है कि हम कोई गलती किए हैं तो आप हमें बताएं। यहाँ पे इंस्टाग्राम खुद ब खुद यहाँ पे बताता है कि अगर हमारी तरफ से कोई भी गलती हो रही है, आपके इंस्टाग्राम पे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हम कर रहे हैं, अगर कुछ गलती लग रही है आपको कि मैं यहाँ पे मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए तो आप हमें ज़रूर बताएं। तो बताने के लिए मैं आपको सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले आपको इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद गाइस, जो आपको प्रॉब्लम आ रही है सबसे पहले उसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। जैसे आप किसी को फॉलो करने जाते हैं तो उसके बाद आपको वही ऑप्शन आता है, योर रिक्वेस्ट इज पेंडिंग। तो आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट एक कलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आपको प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करना है, देन आपको यहाँ पे मिल जाता है, आपको यहाँ पे थ्री लाइन आपको क्लिक करना है, कॉर्नर पर मिल जाएगा, आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करोगे फिर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस हो जाएगा, आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन जैसे ही करोगे यहाँ पे बिल्कुल नीचे आ जाना है, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा रिपोर्ट, यहाँ पे आप देख पा रहे हो हेल्प लिखा हुआ मिलेगा। तो सबसे पहले आपको हेल्प बटन मिलेगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे तो आपको रिपोर्ट प्रॉब्लम का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आपको ऊपर ही मिल जाएगा, तो आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, जो यहाँ पे आप देख पा रहे हो इसको ऑन रहता है, बहुत सारे लोग का यहाँ पे ऑन रहता है, तो आप क्या करना है इसको ऑफ कर देना। अगर ऑन है तो आपको ऑफ कर देना है यहाँ पर, ठीक है, ऐसे रहेगा तो आपको ऑफ कर देना है। उसके बाद आपको रिपोर्ट प्रॉब्लम फिर से आपको मिलेगा, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करोगे फिर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, इंक्लूड एंड कंटिन्यू का बटन मिल जाएगा, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करोगे फिर आपके सामने यहाँ पे एक बॉक्स ओपन हो जाएगा, आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, आपको बताना है, इंस्टाग्राम टीम को खुद बताना है कि हमारे इंस्टाग्राम में इस तरह का प्रॉब्लम आया है, आप इस तरह का प्रॉब्लम हमें क्यों क्रिएट कर रहे हैं। तो आपको यही लिखना है, जो लिखना है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। लेकिन सबसे पहले आपको यहाँ पे अपलोड पर क्लिक करना है, नीचे मिल जाएगा यहाँ पे लेफ्ट साइड में, आप जब क्लिक करोगे तो आपको गैलरी ओपन हो जाएगा आपका, और उसके बाद आपको एक स्क्रीनशॉट जो आपने लिया है वही आपको यहाँ पे ओपन पर क्लिक करके सबमिट कर देना है। जैसे ही सबमिट करोगे पहले से एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे रहता है, उसको आपको कट कर देना है, यहाँ पे कट का आपको चिन्ह मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन क्या करना है आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको लिखना है डियर इंस्टाग्राम टीम, इस तरह से आपको लिख लेना है। तो गाइस, आपको कुछ इस तरह से लिखना है, जो भी लिखना है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आपको यहाँ पे देख करके लिख लेना। जैसे यहाँ पे मैं सेम लिखा हूँ, आपको भी इस तरह से लिख करके आपको यहाँ पे सेंड आइकन मिलेगा, कॉर्नर पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करोगे सेंड वाले बटन पर, उसके बाद जो आपकी प्रॉब्लम है, ये रिक्वेस्ट इज पेंडिंग, 24 से यहाँ पे 24 घंटा लास्ट होता है, 24 घंटे में आपकी ये जो प्रॉब्लम है, योर रिक्वेस्ट इज पेंडिंग, आप किसी अकाउंट को फॉलो करते हो तो वो पेंडिंग में चला जाता है। तो आपकी ये जो प्रॉब्लम है 110% 24 घंटे में सॉल्व हो जाएगी। अगर सॉल्व नहीं होती है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, अगर सॉल्व हो जाती है तब भी आप हमें नीचे कॉमेंट बॉक्स में थैंक्स जरूर लिखना। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें।